हमारे देश में बूंद बूंद के लिए संघर्ष है, हाहाकार है। देश का शायद ही कोई राज्य हो जो सूखे से नहीं जूझ रहा, लेकिन 9 राज्यों में सूखा बेकाबू हो गया है। इंसान का गला और धरती भले ही सूख रही हो, लेकिन एक जगह है जहां इस दौर में भी हरियाली है, वो है माननीयों की जेब। नेताओं की सदाबहार जेब को हम आज के एजेंडा में लेकर आए हैं। हम बात करेंगे उस सियासी संवेदनहीनता की जो बेशर्मी की हद पार करती जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पूरी की पूरी सियासी जमात अपने में मस्त है और तस्वीरों को जो हम दिखाने जा रहे हैं वो शायद देख नहीं रहे या फिर भूल गए। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड हिस्से की, जहां पानी की किल्लत इस हद तक है कि पुलिस वाले पानी भरवा रहे हैं, बच्चे स्कूल छोड़कर पानी के बर्तन लेकर घूम रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा की, जहां पर विधायकों की सैलरी में 100% इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि किसी की अगर 50,000 थी तो वो 1,00,000 हो गई। कहा तो इस बुरे दौर में नेताओं को मौजूदा सैलरी डोनेट करनी थी और कहां दुगना इंक्रीमेंट हो गया। अब हिमाचल इस फहरिस्त में 6 राज्य है। सवाल ये कि आखिर नेताओं में जनता की समस्याओं को लेकर इतनी बेरुखी क्यों है? अगर इंक्रीमेंट करना था वो काम के आधार पर करते, नेता कोई नीति अपनाते, पानी की समस्या को दूर करते तो इंक्रीमेंट लाजमी था। लेकिन सूखे के दौर में जेब किसी की और मालामाल हो रही है, हरियाली वहां पर छाई हुई है, इस पर अपने दर्शकों को हम जानकारी देंगे। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे रिपोर्टर आपको असली स्थिति बताएंगे, क्योंकि 9 राज्य प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव अब बोल रही है सरकार से कि भाई आंखों से पट्टी हटाइए, सूखाग्रस्त इलाकों के लिए आपने क्या किया है। लेकिन उसके बावजूद इंद्रदेव से आस कर रही है सरकार, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस पर जानकारी के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ेंगे, लातूर से सर्वेश कुमार, शिमला से मोहित प्रेम शर्मा और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी गीतिका वर्मा। लेकिन उससे पहले विस्तार से एक रिपोर्ट देखिए। पुलिस वाले के हाथ में डंडे की बजाय पानी का पाइप, आपको हैरानी तो जरूर हो रही होगी। आप ये देखकर भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करने वाले ये हाथ इस मरी हुई पाइप की धार से बर्तनों को भरने में जुटे हुए हैं। आखिर पुलिस वालों को ये दिन कैसे आ गए? असल में ये देश के भयानक सूखे के साइड इफेक्ट है, जब पुलिस सिक्योरिटी के बजाय पानी भरवाने में जुटी है। हमारे यहाँ श्रीमान एसपी साहब ने जब से बोल कर आया है तो हम लोग सब पानी देते हैं, सबको यहाँ घड़ा धरवा लेते हैं, बिजली नहीं लगने देते हैं, सबको पानी भर देते हैं, भले भरा इन लोगों को मिलता है पानी। साल तो पानी के लिए जो घर में भी बोर लगे वो सारे सूख गए, जो भी 2-4 बोर गवर्नमेंट लगे थे वो भी बिल्कुल पूरी तरह सूख चुके हैं, और कम से कम एक या दो किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। और ये हालात मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के हैं। पानी की हर बूंद के लिए ये संघर्ष सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, बल्कि देश के 9 राज्यों में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। इंसान और जानवर दोनों बेहाल हैं। प्यास जिंदगी पर भारी पड़ रही है, जमीन बंजर पड़ी है। देश की सबसे बड़ी अदालत रोज नेताओं को फटकार लगा रही है, लेकिन नेताओं की चमड़ी पर असर कहाँ होता है? आम आदमी बूंद बूंद के लिए तरस रहा है तो ये अपनी जेब की सोच रहे हैं। जी हाँ, इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों के बीच हिमाचल प्रदेश से सियासी संवेदनहीनता की खबर आई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विधायकों की सैलरी को बढ़ाने का फैसला लिया है। विधायकों की सैलरी दोगुना कर दी गई है। मुख्यमंत्री की सैलरी 95,000 से 1,90,000 हो गई है। विधायकों की सैलरी 90,000 से बढ़कर 1,45,000 हो गई है। इससे सरकारी खजाने पर 16.5 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह का मानना है कि ये बोझ नहीं बल्कि जरूरी खर्च है। कोई बोझ नहीं बनता, ये भी आवश्यक खर्चों में एक है। ये मंत्रियों का और विधायकों का और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों का बचा तो कभी कभी बढ़ता है। विधायकों की भी सैलरी बढ़ रही है, जैसे पत्रकारों के लिए जब वेतन आयोग आता है तो उसको प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, वैसे वही महंगाई वही दिक्कतें विधायकों को भी होती है।
लेकिन इसमें मंत्रियों को भी बड़े हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बड़े हैं और साथ में विधायकों के भी कुछ बड़े हैं। असल में इस बुरे वक्त में सिर्फ हिमाचल के नेताओं के अच्छे दिन आए हो ऐसा नहीं है। दिल्ली से शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूखे से प्रभावित मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी डेढ़ गुना बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में भी विधायकों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा किया गया। भीषण गर्मी से जहां मौतें हो रही हैं, उस तेलंगाना में भी विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई। यानी देश की जमीन इस भयंकर सूखे में भले ही बंजर हो रही हो, लेकिन नेताओं की जेब और हरी होती जा रही है। और अहम बात यह है कि इस मामले में सारे सियासी मतभेद पीछे छूट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। दरअसल 9 राज्यों में सूखे का क्या हाल है और अब तक क्या क्या हुआ उसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी भी देते हैं, अपने संवाददाताओं के पास भी चलते हैं। लेकिन सही बात है कि पानी को लेकर, जो पानी की महत्वता है, वाटर कंजर्वेशन को लेकर, पानी और एक एक बूंद को लेकर, चाहे वो लातूर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, हर जगह ऐसी खबरें आ रही है। तो लोग ज्यादा समझ रहे हैं कि पानी की दरअसल वैल्यू क्या है और आगे की डेट में अगर हम सही समय रहते आगे नहीं बढ़े, समझे नहीं, संभले नहीं, तो स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि माननीय को इतना मतलब नहीं है। गीतिका हमारे साथ जुड़ी है न्यूज रूम से। गीतिका, अभी तो कुछ राज्यों में इलेक्शंस है, कुछ राज्यों में इलेक्शंस नहीं है, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये 7 दशक पुराना मुद्दा है। आजादी को लेकर इतने दशकों का, उसके बावजूद भी पानी को लेकर नीति बनाने में हम सबसे पीछे हैं। नेताओं का क्या है, वो तो इम्पोर्टेड स्विस वाटर मंगवा लेंगे, यहाँ तो लोकल पानी भी नसीब नहीं है क्योंकि उस पर भी पहरा है। जी निहारिका, मैं आपको बता दूं कि कह सकते हैं कि जन के नहीं बल्कि जन प्रतिनिधियों के अच्छे दिन आ गए हैं, जहां 5 के बाद 6ठे राज्य में अब तनख्वाह बढ़ा दी गई है, दुगनी से चौगुनी कर दी गई है। लेकिन वहीं कई राज्य, 9 राज्य ऐसे हैं जहां आज भी सूखा पड़ रहा है और वहां की जनता जिन्होंने इन जन प्रतिनिधियों को चुना है, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में नेताओं की सैलरी तो बढ़ा दी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ का ही एक जिला है बलराम, जहां पे आज भी पानी के लिए महिलाओं को और बच्चों को 1 किलोमीटर पहाड़ों पे जाना पड़ता है। इसके अलावा वहां पे अगर किसी की शादी होती है तो शादी में पानी का इंतजाम कैसे हो, इसके लिए पंचायत बैठती है। वहीं इसके अलावा हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो वहां भी पिछले 3 साल से सूखा पड़ रहा है, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, उसके लिए नेताओं ने कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी जेब भारी करने के लिए अपनी तनख्वाह उनकी दुगनी से चौगुनी हो गई है। वहीं इसके अलावा अब जो बहुत ही शर्मनाक बात है, संवेदन हिंदा की बात है, कि अब हिमाचल प्रदेश में नेताओं की सैलरी बढ़ा दी गई है, जहां पे मुख्यमंत्री की सैलरी 1,75,000 से 90,000 हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये संवेदनहीनता ही हम इसे कहेंगे कि नेताओं की सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन वही नेता जिनके जेब में पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वो नेता जो जनता है वो सूखे से प्रभावित है, सूखे के कारण कई किसान मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में सैलरी दोगुनी हो गई थी, वहां के मुख्यमंत्री की सैलरी जैसा कि पहले हमने रिपोर्ट में दिखाया 2 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में ही बुंदेलखंड का 6 जिला भी आता है, जहां बुंदेलखंड की हालत आज जनता के सामने है कि वहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नेताओं के संवेदनहीनता ही दिखाती है। बिल्कुल गीतिका, हम आप जानते हैं कि हम प्रोफेशनल से इंक्रीमेंट के कोई पैरामीटर होते हैं, अगर नेता पानी को लेकर, जो कि जीवन, उसको लेकर ही ठोस नीति नहीं बना पा रहे, फिर भी उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो आप ये समझिए कि कौन अमीर हो रहा है और कौन गरीब और गरीब हो रहा है, और वो सूखे की कगार पर है। मेल न्यूट्रिशन तो एक बड़ी समस्या थी, ऊपर के हालात के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन नीचे के हालात हमारे जनप्रतिनिधियों ने ऐसे बना दिए हैं कि आप सही कह रही हैं कि जनप्रतिनिधि और जन अलग अलग ही हो गए, एक अलग क्लास का और एक अर्श एक फर्श। आप हमारे साथ बने रहिए, अब जरा अपने दर्शकों को एक तस्वीर और दिखा देते हैं। बुंदेलखंड में सूखे का असर खेत और किसानों पर ही नहीं बल्कि मवेशियों पर भी पड़ रहा है। लोग चारे और पानी की तलाश में मवेशियों के जत्थों के साथ निकले हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर ब्रजेश श्रीवास्तव अधिक जानकारी दे रहे हैं। बुंदेलखंड में पशुधन को कभी यहाँ की समृद्धता का आधार माना जाता था, लेकिन आज यही बुंदेलों की बदहाली का सबब बन गया है। दरअसल साल दर साल पड़ने वाले सूखे ने हालात इस कदर बदतर किए हैं कि आज गांवों में बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। यहां इंसानों के पास पीने के लिए पानी तो बचा नहीं है, भला अपने जानवरों को पानी कैसे पिलाएं? और यही वजह है कि अब लाखों की तादाद में जो पशुधन है, जो गायें हैं, जो दूसरे जानवर हैं,
उनको लेकर के उन इलाकों में जाया जा रहा है जहां पर पानी या फिर चारा मिल जाए, और उसी के उसमें अलग अलग यूपी और एमपी के तमाम गांवों से मवेशियों के इस तरह के झुंड निकलते हैं, हर रोज झुंड निकलते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तय करके वो उन इलाकों में जाते हैं जहां पर उन्हें दो बूंद पानी दिखाई दे जाए, उनके मवेशी पानी पी सके। यहां पर कुछ लोग मवेशी लेकर के आए हैं हमारे साथ, एक चीज जानेंगे। एक चीज आप ये बताओ, आप लोग ये जानवर कहाँ से ला रहे हो? हम लाए सिपरीतन से। कितनी दूर है यहाँ से? जहाँ से कम से कम 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तो काहे अपने घर बार से काहे यहाँ लेके आ गए? ये पानी नहीं है भाई, पानी की वजह से यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मवेशी के लिए कहते हैं मांस तो बहुत तरस रहे हैं, मांस के लिए तन थोड़ा पानी जरूरी है, तन थोड़े पानी से बच रहे हैं। मतलब क्या गांव के अंदर पानी तालाबों में पोखर में कुओं में कहीं पानी नहीं? कहीं पानी नहीं है, तालाब है ही नहीं है, तालाब है ही नहीं है, कुआ तन थोड़े है, खेचून में पानी होता नहीं है, हेडपम्प में। तो क्या हाल है वहाँ आदमियों के पीने के लिए पानी बच पाया है या कब तक रह पाएगा पानी, क्या हालात है? ना ना 54 लाख पानी नहीं है, बहुत नहीं है, मतलब बरसात से पहले कोई उम्मीद नहीं है, नहीं है, बरसात हो जाएगी जब। कितने गांवों से मवेशी निकल गए? मुकदमी मवेशी निकल गई 7-6 हजार, सब गांवों से निकल गए, सब गांव, सब गांव, गांव में मवेशी अब दिखाई नहीं, नहीं कुछ ही नहीं। मतलब पानी का संकट है या दाने का संकट है? सबको संकट है, खा लो धरन। कितने किलोमीटर ले जाओगे इसे? मैं ले जाऊंगा पुरसा। ये कितने किलोमीटर है भी यहाँ से? 150 किलोमीटर। तो बिल्कुल शायद ये इनके हालात को बताने वाली दास्ता है कि अभी 100 किलोमीटर दूर से ये अपने मवेशियों को लेकर के आए हैं और कम से कम अभी 150-200 किलोमीटर का और सफर तय करना है, यानी कि 300-400 किलोमीटर दूर ये लोग अपने इन मवेशियों को लेकर के जा रहे हैं ताकि उन्हें दाना मिल सके, ताकि उन्हें कम से कम हालांकि इनके गीले हो जाए इसके लिए पानी मिल सके। तो इस तरह के हालातों में ये सारे लोग, इस बुंदेलखंड के लोग जो है आज जी रहे हैं, जिनके खुद के पीने के लिए पानी नहीं है, जानवरों को कौन पानी पिलाए, और इसीलिए अपने महंगे मवेशियों को भी ये छोड़ने को या फिर दूसरे लोगों को देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भला इससे बड़ी बदहाली की त्रासदी और क्या होगी। ग्वालियर से कैमरा पर्सन पीयूष कुमार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7। सूखे के हालात क्या है ये मध्य प्रदेश की तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर का क्या हाल है, बच्चे महिलाएं जान जोखिम में डालकर पानी की तलाश में जुट गए हैं। ये तस्वीरें आप देखें, पैर जरा भी फिसला जान गई। मध्य प्रदेश में विधायक सैलरी उनकी बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जो विधायक ये ही लोग इकट्ठे पूरी तरीके से सोचते हैं कि जो विधायक इकट्ठे तौर पर इनके लिए मेहनत करेगा वो विधायक तो सैलरी बढ़ाकर खुश है इसी रूम में, लेकिन ये जो पूरा पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर नंगे पैर ये लोग पानी के लिए जान जोखिम में डालकर, चाहे बच्चियां हो या महिलाएं, पूरा परिवार ऐसे पानी जुटा रहा है, और ऐसा पानी जिसमें पूरी तरीके से केमिकल ही इम्बैलेंस है। और अब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पुलिस की निगरानी में पानी बांटा जा रहा है, बच्चे स्कूल छोड़कर पानी भर रहे हैं, क्योंकि पानी यहां पर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो गया है, क्योंकि पानी को देखकर लोग ऐसा लगता है कि सोना बरस रहा है, लोग वहां पर जुट जाते हैं। तो पुलिस ने मोर्चा संभाला है, थाने से बाहर पहुंच गई है पुलिस, हाथ पाइप से हर बाल्टी को पुलिस भर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तो अपनी जिम्मेदारी इस तरीके की समझी, जनप्रतिनिधि यहाँ पर है नहीं, कानून व्यवस्था का मुद्दा इस वक्त पानी बहुत बड़ा है तो पुलिस इसलिए आगे आई है। वहीं ये छोटा बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा बल्कि अपने घर के काम करने जा रहा है, माँ थकी हुई थी तो माँ ने इस बच्चे को भेजा, वो स्कूल छोड़कर पानी भरने गया। ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं, समस्या यहाँ है, यहाँ चंद्रयाराम में पानी कहीं है नहीं है। हमारे यहाँ श्रीमान एसपी साहब ने जब से बोल कराया है तो हम लोग सब पानी देते हैं, सबको यहाँ घड़ा धरवा लेते हैं, भीड़ नहीं लगने देते हैं, सबको पानी भर देते हैं, भले भरा इन लोगों को मिलता है पानी। कितने टाइम सेवा करते हैं? सुबह शाम सेवा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को सेवा। कितने परिवार पानी देते हैं? कम से कम 100 परिवार पानी देते हैं, 100-150 परिवार पानी यहाँ से भरते हैं, सब लोगों को भरते हैं, हम लोग भर देते हैं।
यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। बिन पानी सब कुछ सूना हो गया है। बुंदेला में, बुंदेलखंड में खासतौर पर यही बातें बोली जाती हैं, बुंदेला तेना पानी गजब हो जाए, गागर भी न छूटे चाहे खसम मर जाए। पानी को लेकर इतना हाहाकार मचा हुआ है, चाहे अन्नदाता की तरफ से हो या आम आदमी की तरफ से हो। नेताओं की तो मौज है, उनकी सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ेगी लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, लेकिन अगर सैलरी इस बिना पर बढ़ती कि उन्होंने बेहतरीन काम किया या अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन वो इस जनता के हित में या जल संचय, जल के निकासी या फिर कंजर्वेशन में लगाते, कोई उपाय पर, ठोस नीति पर लगाते, पब्लिक के बीच में जाते, तो शायद उनकी इज्जत और बढ़ जाती, फिर पीआरएस का सहारा उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लेना पड़ता। एक तरफ इंसान का गला सूखा है, दूसरी तरफ गले को भरने के लिए नेता मालामाल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विधायकों की सैलरी में जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ और अब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हाल बेहाल है। इंसान जानवर सब परेशान है, इंसान जानवर एक ही घाट का पानी पी रहे, ये दो तस्वीरें। और अब हमने अपने दर्शकों को बताना कि बुंदेलखंड से लेकर मराठवाड़ा हर जगह की स्थिति सामान्य है। हम अपने दर्शकों को अब लातूर की तस्वीर दिखाते हैं। लातूर फेमस अभी तक था कि ये भूकंप का यहाँ पर केंद्र है, लेकिन अब ये सूखाग्रस्त इलाका भी हो गया है। मारामारी है पानी को लेकर और रात के 3 बजे तक पूरी तरीके से मारामारी है। जमीन देखिए किस तरीके से बंजर यहाँ पर हो गई है, पानी पर पहरा है और देखिए लोग किस तरीके से पानी कैसे भी करके उनके घर पर पहुंच जाए। तो जो यहाँ पर टैंक से पानी डिस्बर्स किया जा रहा है, वहां आसपास पुलिस का पहरा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश के पास जाएंगे। सर्वेश, लातूर के गांव में कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहता है? जी नहीं यार, देखिए कंडीशन इस तरह की आ गई है पिछले 5 सालों में कि यहाँ से खेती किसानी खत्म हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे सूखाग्रस्त इलाके जो थे वो सूखा पड़ता गया, बारिश नहीं हुई तो पिछले 4 साल से स्थिति ये रही कि कोई अनाज नहीं हुआ, खेत बंजर होते चले गए, 5 साल से किसी ने अपने खेत में फसल नहीं उगाई है, तो स्थिति तो ऐसी होगी। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग है जो यहाँ शहर में काम करते हैं, ये यहाँ से लातूर से 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इनसे जानते हैं आखिर इस समय क्या स्थिति है। अब तो ये कहा जा रहा है कि गांव में लोग अपनी बेटियां नहीं देना चाहते हैं। नहीं सही है ना, पानी का इतना प्रॉब्लम है, पानी लाने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है पानी के लिए, अगर वहां भी पानी नहीं, बोड़ी में पानी नहीं है, बोर में पानी नहीं है। अगर ये साल में 4 साल से लगातार बारिश इधर कम है और बारिश कम होने से वजह से इधर के बड़े तालाब नहीं है ना, पानी का साटा है, तो बहुत दिक्कत है, पानी के लिए बहुत परेशानी है। औरत लोग, छोटे छोटे बच्चे और जो छोटे छोटे किसान जो जिसका छोटा छोटा खेत है वो लोग परेशान हो रहे हैं। अपने जो गाय भैंस बकरी जो सब बेच दिए उन्होंने, ऐसे ही बेच दिए, कम पैसे में बेच दिए, खरीदा उसने 10,000 में बेच दिया 2,000 में पानी की वजह से, और लोग इतने चिंतित है और बहुत बहुत परेशानी है। निहारिका, मैं आपको बताऊं कि इंसान तो परेशान है। जब मैं कल गांव में गया था तो वहां पे जो लोग हैं, जिस मवेशी की बात ये कर रहे हैं, जिस जानवर की बात कर रहे हैं, जब अपने पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो भला उनको कहां से खिलाएंगे। यही वजह है कि वो धीरे धीरे अपना सामान समेट रहे हैं और यहां से दूर जा रहे हैं, वहां पे जहां पे कमाई का साधन हो वहां पे वो कमा के पैसे से कम इन सारी चीजों को ले सके, क्योंकि जो लोग गांव के होते हैं वो पूरी तरह से किसानी पे निर्भर होते हैं और जब पिछले 5 साल से किसानी खत्म हो रही है तो फिर वो कहां जाएंगे। इसलिए मेहनत और मजदूरी करने के लिए वो शहर की तरफ रुक कर रहे हैं। कल जिस गांव में हम गए थे वहां पे औरतों की सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि अब पति के पास कोई काम नहीं बचा हुआ, वो बेरोजगार हैं, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, और यही स्थिति रही। और जो अब चल रहा है तो उनके गांव में रिश्ते भी नहीं आते, तो कई तरह की मुश्किल सामने निकल के आ रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग हैं जो यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, जो यहाँ का जिनको आपने अभी देखा ही नहीं होगा कि जनप्रतिनिधि पहुंचे होंगे कि गांव में से वोट मांगने वो चले जाते, अभी तक के हालात में पहुंचे नहीं। सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जनप्रतिनिधियों की हम बात कर रहे हैं, वो मालामाल हो रहे हैं 9 स्टेट्स में सूखे के हालात के मद्देनजर, यहां पर कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अधिकारों की तो बहुत लंबे चौड़े सियासत के पटल पर विधानसभा हो गई, सदन में बात की जाती है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। मोहित प्रेम शर्मा, ऐसा क्या कर दिया विधायकों ने बहुत अच्छा काम की सैलरी डबल हो गई? देखिए यहाँ पर विधायकों का जो तर्क था और जो मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं वीरभद्र सिंह, उनका ये कहना था कि काफी समय से विधायकों की सैलरी नहीं बढ़ी है। हालांकि 2 या 3 साल पहले जो है एक बार फिर जो सेशन हुआ था उसमें विधायकों की सैलरी जो है वो बढ़ाई गई थी। तो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए कदम है। ये विधायक खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर विधायकों की सैलरी बढ़ती है तो इससे भ्रष्टाचार जो है कम होगा, यानी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मान भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से एक विधायक होता है वहां पर अगर वो जो जनता आती है उनके पास, वहां पर चाय पानी ये खर्चा पानी जो है वो करना पड़ता है, विधायकों को भ्रमण करना पड़ता है, तो
उसके लिए जो है वो भत्ते कम मिलते हैं तो उसमें इजाफा होना चाहिए। तो सभी ने स्वागत किया और इस दौरान निहारिका एक खास बात ये रही कि जो विधानसभा का ये बजट सत्र जो कल स्थगित हुआ है, इस पूरे बजट सत्र में हंगामा रहा विपक्ष का, यानी बीजेपी हंगामा करती रही, सदन से वॉकआउट करती रही, लगभग रोजाना वॉकआउट हुआ। लेकिन जब सैलरीज और ये भत्ते बढ़ने की बात हुई तो उस समय शांति बनाई रखी, आराम से सदन में सब बैठे रहे, बीजेपी के जो सदस्य वो भी बैठे रहे, कांग्रेस भी बैठी रही। तो कुल मिलाकर के अपना जब फायदा नजर आया तो निश्चित रूप से वहां पर सरकार के साथ दिखा ओपोजिशन भी। तो ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार जो है वो कम होगा, लगाम होगी। दूसरी तरफ विधायक कह रहे हैं कि खर्चे बहुत हो गए हैं, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर लोगों की जो है वो खातिरदारी भी करनी पड़ती है। तो ये तर्क देकर के जो सैलरीज हैं ये बढ़ाई गई हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जनता के बुरे हाल हैं, यानी जनता जो है वो महंगाई से पहले ही त्रस्त है। तो कुछ खास इस बजट सत्र में जनता के लिए तो नहीं हुआ, लेकिन आखिरी दिन जो है अपने लिए जरूर करके सभी विधायक। गीतिका, बहुत संक्षेप में भाई, दिल्ली में बैठे जो हेडक्वार्टर्स में बैठे नेताओं का क्या हाल है? इमोशनली तो जनता उन्हें वोट देती है और धीरे धीरे जाकर वो बिजली, सड़क, पानी, कोई भी जो मूलभूत बेसिक मिनिमम सर्विसेज हो, उसी के लिए इमोशन लेस हो जाता है। जी, अगर नेताओं की बात करें निहारिका, तो एक बात ध्यान देने वाली है कि नेताओं की सैलरी का जो एक्ट आया था वो 1954 22 मई को आया था, उसके बाद 1 जून से वो एक्ट लागू हो गया और अब तक उसमें 28 से 30 बार अमेंड किए जा चुके हैं। और अब जो नेता हैं, खासकर अगर एमपी की बात करें, तो उनकी बेसिक सैलरी ही 50,000 होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अलायंस और ऑफिस अलायंस उन्हें 45,000 मिलता है, तो हर महीने उन्हें फिक्स्ड 1,40,000 रुपये मिलते ही हैं। और फिर भी जितने नेता हैं वो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात मांग करते रहते हैं हमेशा। इसके अलावा उन्हें ना तो ट्रैवल एक्सपेंस देना होता है, ना बिजली के खर्च देने होते हैं, ना टेलीफोन के खर्च देने होते हैं, ना ही पानी के खर्च देने होते हैं। तो जो ऐसे नेता हैं जो घर में एसी में बैठे हैं, ना ही पानी के खर्च उन्हें देने पड़ रहे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि जनता जिन्होंने उन्हें चुना है। इस पर सताया गीतिका, ये तो एक बहुत ही लुक्रेटिव करियर ऑप्शन यहाँ पर हो गया। इस देश में जहाँ किसान के साथ मजाक किया जाता है 25 से 27 रुपए के चेक को बांटने के लिए, वही देश है कि आजादी के 7 दशक बाद भी यहाँ पर सूखे की स्थिति अभी भी लगातार बरकरार है। ये सच है तमाम हिंदुस्तान के 9 राज्यों के गांव का कि ना पेट में दाना है, ना खेत में पानी है और कोई रो भी नहीं सकता है, क्योंकि रोने के लिए भी आंसू चाहिए, वो भी सूख गए हैं।